नमस्कार, मैं हूं फरहान। आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज नेशन। इस वक्त भारतीय जनता पार्टी, यह मुद्दा बहुत ही गर्म हो रहा है, पसमांदा मुस्लिम्स उनकी ओर आकर्षित हो रही है, या यूं कहें कि उनके संपर्क में आ रही है भारतीय जनता पार्टी। कौन है यह पसमांदा मुस्लिम और आखिर भारतीय जनता पार्टी इनसे क्या चाहती है? क्या उनको काम पड़ गया, क्या आवश्यकता पड़ गई पसमांदा मुस्लिम की? तो हम यह जानने की कोशिश करेंगे आज के कार्यक्रम में कि ये पसमांदा मुस्लिम होते कौन हैं और भारतीय जनता पार्टी आखिर इनके पास क्यों जाना चाहती है। देखिए, पसमांदा मुस्लिम, देखिए मुस्लिम धर्म के अंदर जाति का कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन जब कन्वर्ट होने का सिलसिला जारी हुआ तो वहां मुस्लिम समुदाय में भी जातियां आ गई। वह मुसलमान जो पिछड़ी जाति या एससी एसटी से मुस्लिम बने हैं, ठीक है, वह हिंदू जो ओबीसी थे, एससी थे, एसटी थे, तो वह उससे मुस्लिम बने हैं, तो मुस्लिम समुदाय में उन्हें पसमांदा मुस्लिम कहा जाता है। एक तरह से कह सकते हैं शूद्र मुस्लिम, यह कहा जा सकता है, जैसे हिंदू धर्म में बहुजन कहा जाता है या शूद्र कहा जाता है। तो यह होते हैं पसमांदा मुस्लिम, जिसमें अंसारी, धोबी, जुड़ाहा, ऐसे तमाम जातियां आती हैं। अब भारतीय जनता पार्टी इनसे संपर्क बनाने की कोशिश कर रही है। आखिर क्यों इनसे संपर्क बनाया जा रहा है? देखिए, जो पसमांदा मुस्लिम है, जो इनकी जनसंख्या है, वह 85% है। हिंदुस्तान में जितने भी मुस्लिम हैं उसमें पसमांदा मुस्लिम 85% हैं और जो स्वर्ण जाति के मुस्लिम हैं वह केवल 15% हैं। यदि यह 85% मुस्लिम किसी भी पार्टी में चले जाएं या 15% मुस्लिम का विरोध कर दें तो फिर वह आवाज दबकर रह जाती है। देखिए, पसमांदा मुस्लिम में शिक्षा की कमी रही हमेशा से। यह छोटे मोटे व्यापार करते रहे, या कुछ लोग अपवाद है जो बड़े व्यापार भी करते हैं, लेकिन इनमें शिक्षा की कमी हमेशा रही, और शिक्षा की कमी के कारण इनको छोटे मोटे फायदे यदि दे देती थी कोई सरकार तो यह उसके हो जाते थे। इस वक्त पसमांदा मुस्लिम का कुछ एक ऐसा समूह है जो प्रधानमंत्री आवास योजना, फ्री राशन, इन योजनाओं को लेकर काफी खुश नजर आ रहा है भारतीय जनता पार्टी से, जिसमें सिलेंडर वाली योजना भी है। तो भारतीय जनता पार्टी ने अब यह तय कर लिया है कि पसमांदा मुस्लिम को अपने साथ करना होगा, इनकी छोटी जरूरतों को पूरा करके उन 15% सवर्ण मुस्लिम को अलग कर देना है, 85% पसमांदा मुस्लिम को भारतीय जनता पार्टी में जोड़ लेना है। यहाँ पर आरएसएस का भी एक एजेंडा सामने आ जाता है, जिसमें यह कहा जा रहा था कि जिन मुसलमानों को कन्वर्ट कराया गया है उन्हें वापस हमें घर वापसी करवानी है उनकी। यह एक प्रोग्राम चला था लेकिन बीच में यह बंद हो गया। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का जो एक एजेंडा है वह यही है कि पसमांदा मुस्लिम को उनकी जरूरतें पूरी कराकर उन्हें भारतीय जनता पार्टी में जोड़कर उनकी घर वापसी करवाना है। यहाँ पूरा मुद्दा घर वापसी का है, और यदि 85% मुस्लिम भारतीय जनता पार्टी में जुड़ जाता है, फिर यदि जो 15% स्वर्ण बचता है और वह स्वर्ण यदि बीजेपी के खिलाफ आवाज भी उठाता है तो 15% की आवाज उन 85% के बीच दब जाएगी। तो यह भारतीय जनता पार्टी के हित में बहुत ही अच्छा है, लेकिन सवर्ण मुस्लिम के पक्ष में या उनके यदि अधिकार को लेकर सोचे तो उनको बहुत बड़ी परेशानी होने वाली है। तो इस वक्त पसमांदा मुस्लिम के पीछे लगी हुई है भारतीय जनता पार्टी। आने वाले समय में क्या उसे प्रभावित कर पाएगी या नहीं, यह देखने वाली बात होगी। इस संबंध में आपकी राय महत्वपूर्ण है, अपनी राय अवश्य दें। कार्यक्रम को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, धन्यवाद।